कोल हैंडलिंग सिस्टम हिंदी लेक्चर। स्टीम पावर प्लांट सिस्टम्स के ऊपर एक लेक्चर सीरीज तैयार की गई है। यह लेक्चर उसी सीरीज का हिस्सा है। उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर प्लांट को चलाने वाले स्टाफ के लिए उपयोगी होगा। यह चित्र कोल हैंडलिंग सिस्टम को दिखाता है। ये वही चित्र है जो पिछली स्लाइड में था, लेकिन थोड़ा बड़े साइज में है। और आपके रेफरेंस के लिए ये दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ मेन पार्ट हैं। एक तो है इसमें वैगन टिपुलर, दूसरा है देखिए कन्वर्टर्स कन्वेयर्स, और देखिए ये जो है क्रशर हाउस है, जहाँ कोयले के बड़े बड़े टुकड़ों को चोट मार के छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। फिर उन छोटे टुकड़ों को यहाँ पे क्रश्ड कोल स्टॉक पाइल में इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद फिर कन्वेयर द्वारा कोल जो है पावर प्लांट में पहुंचाया जाता है। वहाँ फिर कन्वेयर्स हैं और उन कन्वेयर्स द्वारा कोयला कोल बंकर्स में जाता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को दबाएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। पावर प्लांट्स जिसमें बॉयलर में पल्वराइज्ड कोल या शुद्ध हिंदी में कहें तो कोयले का चूर्ण जलाया जाता है, उसमें कोयला जो है वो मुख्य ईंधन है। कोयला खदानों से रेलवे वैगन द्वारा प्लांट पहुंचाया जाता है, और प्लांट में सबसे पहले वो पहुंचता है ट्रैक हॉपर्स एरिया में या वैगन टिपुलर कॉम्प्लेक्स में। ट्रैक हॉपर में और वैगन टिपुलर में वे ब्रिज लगे होते हैं जो खदान द्वारा पहुंचे हुए कोयले का वजन लेते हैं। कोयले को कोल बंकर्स में पहुंचाने के लिए कन्वेयर्स लगे हुए हैं, और कन्वेयर के साथ साथ क्रशर भी लगे हुए हैं, ट्रांसफर पॉइंट भी लगे हुए हैं। कन्वेयर्स में रोलर्स लगे होते हैं, आइडलर्स लगे होते हैं, और उसी में इंतजाम होता है मैग्नेटिक सेपरेटर का। मैग्नेटिक सेपरेटर जो है कोयले के साथ आए हुए छुटके मुटके लोहे के टुकड़ों को
अलग कर लेता है। ये लोहे के टुकड़े जो हैं बंकर में नहीं पहुंचने चाहिए। कोयला प्लांट में रेलवे वैगन द्वारा पहुंचाया जाता है और रेलवे वैगन से कोल या कोयले को अनलोड करने का इंतजाम होना चाहिए। उसके लिए सिस्टम बना होता है ट्रैक हॉपर्स पे या वैगन टिपलर हॉपर्स पे। वहाँ पे कोयला जो है वैगन से वैगन टिपलर हॉपर में पहुंचा दिया जाता है या ट्रैक हॉपर्स में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ जैसा इंतजाम हो। कहीं पे वैगन टिपलर का इंतजाम होता है, कहीं पे ट्रैक हॉपर्स का इंतजाम होता है। तो कोयला पहले हॉपर्स में पहुंचता है, हॉपर से फिर कन्वेयर द्वारा उसको कोल क्रशिंग प्लांट में या क्रशर हाउस में भेज दिया जाता है। क्रशर हाउस में कोयले के बड़े टुकड़ों को क्रश करके, या कहिए कि हथौड़ा मार मार के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है, और उसके बाद क्रश्ड कोल या कोयले के छोटे टुकड़ों को स्टोरेज एरिया में पहुंचा दिया जाता है। उसके लिए कन्वेयर सिस्टम लगा हुआ है। कोयले के छोटे टुकड़ों के भंडार गृह से अब कोयले को पावर हाउस में ट्रांसफर करना है। उसके लिए बुलडोजर्स का या स्टैकर रिक्लेमर्स का इंतजाम किया जाता है, और उसके बाद उसको पावर हाउस के टर्मिनल हॉपर में पहुंचा दिया जाता है। पावर हाउस के टर्मिनल हॉपर से अब कोयला जो है कन्वेयर द्वारा मोबाइल ट्रिपर्स पे पहुंचाया जाता है। ये हैं मोबाइल ट्रिपर्स। मोबाइल ट्रिपर द्वारा कोयला बंकर्स में पहुंचाया जाता है, और बंकर्स से फिर कोयला जो है रॉ कोल फीडर, यानी कहिए कि कच्चे कोयले का फीडिंग का इंतजाम, उससे वो पल्वराइजर में पहुंचाया जाता है। तो कोल बंकर से कोयला पल्वराइजर में पहुंचता है। पल्वराइजर का मतलब है कोयले को महीन पीसने का या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का यंत्र। पल्वराइजर में कोयले को बहुत ही महीन पीस देते हैं, बिल्कुल चूर्ण बना देते हैं उसका। अब पल्वराइज कोल को या पिसे हुए महीन कोयले को गर्म हवा द्वारा बॉयलर में भेजा जाता है। इस गर्म हवा को प्राइमरी एयर बोलते हैं। तो प्राइमरी एयर जो है कोयले के महीन चूर्ण को कोल बर्नर्स में पहुंचाती है। पल्वराइज्ड कोल बर्नर्स के नज़दीक सेकेंडरी एयर दी जाती है, ताकि
कोयले को कम्बस्चन के लिए या जलने के लिए पूरी हवा मिल सके, हवा की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि कोयले का चूर्ण जो है वो पूरी तरह से जल सके। अभी तक हमने जिक्र किया कोल हैंडलिंग एरिया का, जिसमें आपका वैगन टिपलर भी आ गए, क्रशर हाउस भी आ गया, कन्वेयर्स आ गए, क्रश्ड कोल का स्टॉक पाइल आ गया। इन सब एरिया में कोयले की डस्ट बहुत उड़ती रहती है। इस डस्ट को सप्रेस करने के लिए, ताकि जो वहाँ पे आदमी काम कर रहे हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, तो इस डस्ट को बैठाना ज़रूरी है, सप्रेस करना ज़रूरी है, उसके लिए वेंटिलेशन देना ज़रूरी है, नहीं तो कोई आदमी काम कर रहा होगा तो उसका दम घुट जाएगा। तो उसके लिए कोल हैंडलिंग एरिया में अलग से इंतज़ाम किया जाता है डस्ट को बैठाने के लिए, डस्ट को उस एरिया से बाहर निकालने के लिए और वहाँ पे वेंटिलेशन देने के लिए, ताकि जो वहाँ पे व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो।